संगम शरणं गच्छामि। तो आज हमारा क्वेश्चन है यूनिक सबसीक्वेंसेस, जो कि बेसिक्स ऑफ स्ट्रिंग मैनिपुलेशन में है। हैकर अर्थ का एक क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है, हमें एक स्ट्रिंग गिवन होगी जिसका एन, जिसमें एन कैरेक्टर्स होंगे, मतलब हमें स्ट्रिंग की लेंथ भी गिवन है, और हमें फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना है मैक्सिमम पॉसिबल साइज ऑफ द सबसीक्वेंसेस। ये हमें डिटरमाइन करना है द मैक्सिमम पॉसिबल साइज ऑफ द सबसीक्वेंसेस, जिसकी कंडीशन क्या हो कि नो टू एडजेसेंट कैरेक्टर्स आर द सेम, मतलब एडजेसेंट कैरेक्टर्स हमारे सेम नहीं होने चाहिए। अगर हम जैसे इनपुट में देखें तो हमें जैसे पहली स्ट्रिंग गिवन है ए बी ए बी ए, तो इसमें क्या है कि हमारी जो एडजेसेंट कैरेक्टर्स है ना वो सारे डिफरेंट होने चाहिए, मतलब भले वो रिपीट कर सकते हैं लेकिन वो डिफरेंट होने चाहिए एडजेसेंट कैरेक्टर्स सारे के सारे। और हमें ये भी गिवन है कि हमें इस कंडीशन का भी ध्यान रखना है कि जो हमारे इनपुट्स होंगे ना वो सारे के सारे लोअर केस इंग्लिश अल्फाबेट्स होंगे। एक बार हम जैम बोर्ड पे देखते हैं कि हमें इनपुट में क्या बोला हुआ है। इसमें हमें क्या बोला हुआ है, इसमें हमें ना सिंपली ये बोला हुआ है कि इसका आउटपुट हमें 5 निकालना है और इसका आउटपुट हमें 2 निकालना है। अब ये 5 और 2 कैसा आया हम ये देखते हैं। हमें ये बोला है कि हमें जो एडजेसेंट कैरेक्टर्स है ना वो डिफरेंट देखने हैं बस, और उनकी लेंथ फाइंड आउट करनी है। जैसे यहाँ पे ए है और यहाँ पे बी है, तो ये डिफरेंट कैरेक्टर्स हो गए। डिफरेंट कैरेक्टर्स मतलब हमारा जो लेंथ है वो बढ़ गई। अब हम अगर बी से ए में जाएंगे तो देखते हैं कि हमारा जो प्रीवियस कैरेक्टर था वो क्या था, बी था, तो ये ए से तो डिफरेंट है ना। अब वो रिपीट कर रहा है उससे फर्क नहीं पड़ता हमें, हमें बस ये देखना है कि जो हमारी प्रीवियस कैरेक्टर था क्या उससे वो डिफरेंट है या नहीं है। तो हम देखते हैं कि यहाँ पे भी वो डिफरेंट है प्रीवियस कैरेक्टर से, तो हम यहाँ पे भी लेंथ को इंक्रीज कर देंगे। तो अभी तक हमारी कितनी हो गई, 3 हो गई। फिर हम देखते हैं कि हमारा जो बी है नेक्स्ट कैरेक्टर वो भी प्रीवियस कैरेक्टर ए से डिफरेंट है, तो हम क्या कर देंगे, एक और इंक्रीज कर देंगे। ऐसे हम इंक्रीज करते जाएंगे जब तक हमारा जो एडजेसेंट कैरेक्टर्स है ना वो डिफरेंट होते जाए, भले वो रिपीट हो रहे हैं उससे फर्क नहीं पड़ता हमें। तो ऐसे ही लास्ट में जाके हमें ना ये 5 आंसर मिल जाएगा। तो इसी तरीके से हमारा ये 5 आउटपुट बना है। अब हम अगर सेकेंड इनपुट टेस्ट केस देखें जिसमें कि हमें ये बोला हुआ है कि अगर हम इस पे होते हैं तो प्रीवियस एलिमेंट तो कोई है नहीं, लेकिन अगर हम इस पे जाते हैं ना इस पे सेकंड केस पे, तो इसमें हम देखते हैं कि हमारा जो फर्स्ट कैरेक्टर था वो तो सिमिलर था, तो इस केस में हम काउंट को इंक्रीमेंट नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे स्किप कर जाएंगे और हम फिर नेक्स्ट पे देखेंगे। 3 में इसमें भी क्या था, प्रीवियस कैरेक्टर जो था वो सिमिलर है, फिर 4th में भी सिमिलर है, फिर जब हम 5th में जाएंगे ना फिर हम ये देखेंगे कि हमारा जो 4th कैरेक्टर है वो डिफरेंट है। तो इस केस में हमारा क्या होगा, इस केस में हमारा ना जो काउंट होगा वो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि पहले हमने सबसे पहले जब फर्स्ट कैरेक्टर इनकाउंटर किया था उसी टाइम हमने काउंट को 1 कर दिया था, है ना। क्योंकि हमारा अगर सिर्फ ये होता है तो ये भी तो क्या है, ये हमारा एक पॉसिबल स्ट्रिप स्ट्रिंग है, क्योंकि इसमें क्या है हमारे पास एक ही कैरेक्टर है और वो क्या है, वो डिफरेंट ही माना जाएगा। ऐसे ही हम क्या करेंगे, अगर हम जैसे ये दोनों लेंथ हम इंक्वायर कर रहे हैं, मतलब हमें क्या बोला हुआ है, हमें ना क्वेश्चन में ये ध्यान देने वाली बात है, हमें क्वेश्चन में ये गिवन है कि हमें ना यहाँ पे सब सीक्वेंस गिवन है। सब सीक्वेंस ना एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टर रोल, एक रोल प्ले कर रहा है इस क्वेश्चन में। सब सीक्वेंस की जगह अगर हमें तो सब सीक्वेंस क्या होता है ना, सब सीक्वेंस में जैसे अगर हम ध्यान से देखें तो ये जो सब सीक्वेंस है इससे क्या फर्क पड़ता है, जैसे अगर हमें ए ए बी ए सी दे रखा है, ठीक है, तो सब सीक्वेंस क्या करेगा, यहाँ पे अगर वो कैरेक्टर है ना और अगर हमें सब सीक्वेंस की लेंथ देखनी है तो यहाँ पे अगर वो सिमिलर है ना तो हम क्या करेंगे, इसको स्किप करके इसके नेक्स्ट कैरेक्टर पे जा सकते हैं, ठीक है। तो ये भी लेंथ में काउंट होगा, मतलब अगर हमारी हम देखें कि अब हमारी पॉसिबल लेंथ क्या बन गई, तो वो ये चीज बन जाएगी, ठीक है। हमारा जो ये वाला कैरेक्टर है ना, ये वाला, ये स्किप हो गया है हमारा, ठीक है। लेकिन अगर हम ध्यान से देखें कि अगर हमारा सब सीक्वेंस है ना, अगर इसकी जगह सब एरे या फिर हमें क्या गिवन होता, अगर हमें यहाँ पे सब स्ट्रिंग गिवन होता, ठीक है, तो अगर सब स्ट्रिंग गिवन होता ना तो हम इस चीज को स्किप नहीं कर सकते। फिर हम क्या बोलते हैं कि अगर हमें ए पे है और यहाँ पे भी ए आ गया तो हम क्या करेंगे, हम इसको कैंसिल कर देंगे और अब यहाँ से सर्च करेंगे, ठीक है। तो अगर हम यहाँ से सर्च करते ना फिर हम देखते हैं कि ये दोनों जो है एक कैरेक्टर जो है डिफरेंट है, तो इसके केस में हम क्या करेंगे, ए भी डिफरेंट करेंगे। तो इसमें यह ध्यान देने वाली बात है कि जब हम सबस्ट्रिंग गिवन होगा ना तब हम कैरेक्टर्स को स्किप नहीं कर सकते, लेकिन अगर हमें सबसीक्वेंस गिवन है तो हम कैरेक्टर्स को स्किप करके उसकी लेंथ फाइंड आउट कर सकते हैं सबसीक्वेंस की। तो इस केस में हमने यही किया है, हम क्या तब तक काउंट करते रहेंगे जब तक हमें जो है ना डिफरेंट कैरेक्टर्स मिल रहे हैं, और उस केस को स्किप कर देंगे जिसमें कि हमें नहीं मिल रहे हैं, ठीक है। तो बस अब ये कोड पे देखते हैं हमें कोड में क्या करना है। तो ये देखेंगे अब हमें ना कोड में क्या करने को बोला है, हमें कोड में जैसे हमने सबसे पहले क्या किया, हमने टेस्ट केसेस इनपुट लिए, टेस्ट केसेस इनपुट करने के बाद ये एन क्या है, ये हमारी क्या है लेंथ ऑफ द सबस्ट्रिंग, ये मतलब स्ट्रिंग की लेंथ है। फिर हमने स्ट्रिंग इनपुट लिया, फिर हमने एक लूप लगाया मतलब पूरे स्ट्रिंग की लेंथ पे,
और उसमें हमने वही कंडीशन चेक करी है जो मैंने अभी समझाई थी कि हम क्या करेंगे, एसओ फाइव को कंपेयर करेंगे एसओ फाइव प्लस वन से, मतलब हम जिस करंट कैरेक्टर पे हैं उसको कंपेयर करेंगे उसके प्रीवियस या फिर नेक्स्ट कैरेक्टर से। हमने यहाँ पे एसओ फाइव प्लस वन किया है, हम यहाँ पे माइनस वन भी कर सकते हैं। उस केस में हमें क्या करना पड़ेगा, उस केस में हमें वन को बस इससे वन से स्टार्ट करना पड़ेगा, जिससे कि हमारा क्या है कंडीशन जो है वो प्रीवियस एलिमेंट स्टार्ट करेगा, है ना। इस केस में क्या हो रहा है, हम जो है नेक्स्ट कैरेक्टर को सर्च कर रहे हैं, ठीक है, मतलब नेक्स्ट कैरेक्टर को कंडीशन लगा के चेक कर रहे हैं कि क्या वो हमारा सिमिलर है या नहीं। अगर वो डिफरेंट बन जाता है फिर तो हम अपने काउंट को इंक्रीज कर देंगे, है ना, और अगर वो सेम बनता है तो हम स्किप कर देंगे, ठीक है। इसलिए मैंने एल्स कंडीशन में कुछ भी नहीं लगाया, वो सिंपली क्या करेगा नेक्स्ट इटरेशन में चले जाएगा, और लास्ट में जो हमारे स्ट्रिंग पूरी इटरेट हो जाएगी उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हम काउंट कर देंगे सीधा कि हमारा काउंट कितना बना है अभी तक, तो वो हमारी क्या हो जाएगी मैक्सिमम पॉसिबल लेंथ हो जाएगी सब सीक्वेंस की, ठीक है।